साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड की वो भर्तियां जिनका परिणाम जारी होना है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना का परिणाम हो, चाहे वन रक्षक का हो, चाहे अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की एक और सूची हो, चाहे वो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का परिणाम हो। इसके अलावा पशु परिचर भर्ती की प्रक्रिया को रोक दिया गया, आवेदन प्रक्रिया जो शुरू हो रही थी अचानकता की वजह से वो रोक दिया गया, लेकिन उसके लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं। वही शिक्षा वाक्य की जो भर्तियां हैं इन्हीं के जिला आवंटन होकर केवल नियुक्ति बाकी थी, कई लोगों के केवल मेडिकल की वजह से लेट हो गए, कई के जिला आवंटन बाकी थे, नियुक्ति प्रक्रिया बाकी थी। तो शिक्षा विभाग का आपने कैलेंडर देख लिया होगा, चुनाव आयोग के समक्ष रखने के लिए विभाग को उन्होंने एक लेटर भेजा था, आपने वो पीडीएफ देख ली होगी। अब क्या हुआ, जो मुख्य सचिव महोदया ने मीटिंग ली थी जिसमें शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, क्या परमिशन मिली? कर्मचारी चयन बोर्ड इन भर्तियों का परिणाम क्यों नहीं जारी कर पा रहा है? लगातार आपके जहन में ये सवाल उठ रहे हैं और आपके सवालों के जवाब के लिए मैं कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात करके आया, और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने सकारात्मक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम जब पहुंचे मुलाकात की तो उन्होंने चारों लेटर दिखाए कि ये लेटर देख लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना के परिणाम के संबंध में ये लेटर है, हमारी तरफ से काम पूरा है, परिणाम जारी करना है, लेकिन चुनाव आयोग से परमिशन लेना चाह रहे हैं। वही रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन 2020 का लेटर दिखाया, वही पशु परिचर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने वाला लेटर दिखाया, वन रक्षक का वो लेटर दिखाया, और जो अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की भी सूची जारी करने के संबंध में बताया कि जैसे परमिशन मिलेगी, मान लो 1-2 भर्तियों को परमिशन मिल गई तो कहीं और भर्तियों की भी हम कार्य कर सकेंगे, जो और भी जो लोग मांग कर रहे हैं अन्य भर्तियाँ, जैसे प्रयोगशाला सहायक की वेटिंग सूची की मांग कर रहे हैं, और भी विभिन्न भर्तियों की सूचियों की मांग कर रहे हैं, चाहे वनपाल का या फायरमैन का प्रोविजन परिणाम। साथियों, मुलाकात की और चेयरमैन साहब ने पॉजिटिव आंसर देते हुए कहा कि मैं खुद अधिकारियों से मिलने जा रहा हूँ। चुनाव आयोग की गाइडलाइन मैंने देखी, भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन थी कि लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को आवश्यकता नहीं है परिणाम जारी कर सकते। मैंने वो लेटर उनको भी दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये लेटर हमारे काम आएगा। और आज उनसे पुनः मेरी बात हुई है चेयरमैन साहब से, पॉजिटिव है, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा क्योंकि जो भारत निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन थी उसमें लिखा था कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, बोले हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है, संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए परिणाम जारी नहीं कर सकते, इसलिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। और डीओपी सेक्रेटरी को उन्होंने लिखित में पूरी स्थिति, जो भर्तियां जो मैंने बताई उनके लिए लेटर भेजा है, और डीओपी सेक्रेटरी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली मीटिंग में उस परमिशन के लिए उन मामलों को रखा जाएगा और फिर चुनाव आयोग से परमिशन की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। क्योंकि अब मुझे पता चला कि केवल आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, कर्मचारी चयन बोर्ड संवैधानिक संस्था नहीं है, केवल ये बोर्ड है, आयोग नहीं है, ये अधिकारियों ने बताया। ऐसे में अब जो इंतजार कर रहे थे, जो 15 गुणा के परिणाम जूनियर अकाउंटेंट के इंतजार, उनके एक अभ्यर्थी को साथ लेके था, मैंने वो भी कहा कि चेयरमैन साहब आपने 9 तारीख को आता था कि हमने काम शुरू करवा दिया, उनके सामने पूछा है एक बार, मैंने हमेशा बात रखी, वो उन्होंने स्वीकारी हाँ, लेकिन उन्होंने लेटर भी दिखा दिया कि तैयार है लेकिन हम परमिशन मांग रहे हैं। वही वन रक्षक और तमाम जो भर्तियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन्होंने लेटर भी दिखाया, और अभी चेयरमैन साहब से मैंने निवेदन किया तो चेयरमैन साहब ने कहा कि उन्होंने डीओपी सेक्रेटरी से निवेदन किया कि वो चुनाव आयोग से जल्द परमिशन दिलाए, क्योंकि डीओपी सेक्रेटरी से ये फाइल मुख्य सचिव महोदय की जाएगी और वहाँ से चुनाव आयोग में जाएगी, फिर परमिशन मिलेगी, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना का परिणाम, एनटीआरटी 2020 की सूची, अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की सूची, वन रक्षक का परिणाम और अन्य जो परिणाम जो बता रहे हैं, पशु परिचर के लिए आवेदन के लिए अनुमति मांगी है। पशु परिचर भर्ती की जो अभ्यर्थी है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आचार संहिता की वजह से ये जरूर प्रक्रिया लेट हुई, लेकिन दोबारा से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और भर्ती होगी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि आचार संहिता में भर्तियां प्रभावित नहीं होती, अब देख लीजिए कैसे प्रभावित होती है। आपने देखा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो उनके जो शारीरिक दक्षता की तिथि थी फिजिकल की, वो कैंसिल कर दी गई, आपने देखा होगा कि 1-2 भर्तियों को स्थगित कर दिया गया, तो चुनाव आयोग में प्रभावित होते हैं, जिनके अंतिम प्रक्रिया चल रही उनकी परमिशन मिलती है। जैसे एसआई भर्ती का आपने देखा होगा, एसआई भर्ती में कई लोगों की नियुक्ति मिल चुकी थी, कुछ लोग रहे थे और बहुत पहले उनके नियुक्ति आदेश जारी हो गए थे, इसलिए परमिशन मिल गई कि साहब पहले की भर्ती है और कुछ लोग रह गए थे। ऐसे ही जो शिक्षा विभाग की भर्ती में अधिकतर प्रक्रिया पूरी हो गई है, उस संबंध में जो मीटिंग हुई है उस संबंध में चुनाव आयोग को भेजा गया और उम्मीद करता हूँ जल्द चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाएगी, जो अभ्यर्थी चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का हो।
मैं खुद चुनाव आयोग के अधिकारी से मुलाकात करके जल्द से जल्द परिवर्तन दिलाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को राहत मिल सके। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के लिए मैं प्रयास करूंगा। मुख्य सचिव महोदय जी से मैंने मुलाकात की थी, नवीन जैन साहब शिक्षा विभाग के जो सचिव उनसे और कानाम जी से मैंने मुलाकात की थी, और उसके दूसरे दिन आपने देखोगा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में ये हुआ उन्होंने चुनाव आयोग को भेजा है। अब चुनाव आयोग को परमिशन देनी है वो कौन कौन सी भर्तियों को परमिशन दे सकते हैं। इसमें कई प्रकार की, कईयों को जिला आवंटन बाकी था, कईयों का जिला आवंटन हो गया, कईयों नियुक्ति बाकी थी, कईयों की काउंसलिंग बाकी थी, तो अलग अलग स्तर के मैटर थे वो उनको चुनाव आयोग को भेजा जा रहा है। और चुनाव आयोग राजस्थान चुनाव आयोग के अलावा दिल्ली चुनाव आयोग तक फैल जाएगी, वहां से किस मैटर को परमिशन मिलती है कि कौन सी स्टेज पर कौन सी भर्ती है वो सारा विवरण आपने पीडीएफ में देखा होगा। वहां से परमिशन आने के बाद ही आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। तो मैं प्रयास शिक्षा विभाग की हो चाहे वो चिकित्सा विभाग की भर्तियां, चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर भी कल की मीटिंग में मंथन हुआ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ चाहे पैरामेडिकल की हो चिकित्सा विभाग में, चाहे शिक्षा की हो, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड की वो भर्ती हो, तो मैं इस आचार संहिता के दौरान भी मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि आपको पता है कि दिसंबर में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरे से जितना प्रयास हुआ मैं अभी भी कर रहा हूँ और ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वास्तविक स्थिति से इसलिए अवगत कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब से भी थोड़ी देर बाद पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक संस्था नहीं है, चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आयोग कर्मचारी चयन आयोग संवैधानिक संस्था होती, कर्मचारी चयन बोर्ड संवैधानिक संस्था नहीं है, आरपीएस संवैधानिक संस्था है। ये अधिकारियों से आज मुझे बात करने के बाद पता चला, तो ऐसे में वो परमिशन की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिया, डीओपी से जाएगी, मुख्य सचिव सचिव साहब की अध्यक्षता मीटिंग होगी, फिर चुनाव आयोग में, फिर परमिशन के बाद ये परिणाम जारी होगी। जो जूनियर अकाउंटेंट के बार बार फोन कर रहे थे, आपका साथी गए थे, लग पूरा परिणाम तैयार है, फिर परमिशन का इंतजार है। अब आप पूछोगे परमिशन, जो परमिशन कब मिलेगी, वो मुख्य सचिव अध्यक्षता की मीटिंग होगी, फिर चुनाव आयोग जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, इसमें कितना समय लगता है वो आप सबको इंतजार करना पड़ेगा। तो जितना प्रयास मुझसे हो रहा, मैं भी इस चुनाव आचार संहिता के दौरान खुद चेयरमैन से मिला हूँ, आज बात की है, वहीं शिक्षा विभाग में सचिव से मिला हूँ, मुख्य सचिव से मिला हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे चयन बोर्ड हो, और आरपीसी के अधिकारी से भी फर्स्ट ग्रेड हिंदी का और होम साइंस का और सेकंड ग्रेड का परिणाम, सेकंड ग्रेड पीटीआई का, संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड में, उन परिणामों के लिए भी मैंने निवेदन किया कि जल्द से जल्द उनका परिणाम जारी हो। जितनी मदद मुझसे हो रही है अभी भी मैं चुनाव आचार संहिता के द्वारा आप लोगों की पूरी मदद कर पा रहा हूँ। धन्यवाद, फिर आप लोगों से एक और वीडियो में मुलाकात।